आदर दोस्तों मैं हूं शहजा आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी में लगातार फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से किसानों के संगठन में आपस में फूट पड़ जाए लेकिन लगातार कुछ ऐसी खबरें आती हैं जब एक एक करके बीजेपी के नेता किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरते जा रहे हैं खासतौर से हरियाणा और पंजाब के नेता तो खासतौर से किसानों के समर्थन में धीरे धीरे आ रहे हैं यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एक नेता ने भी बाकायदा विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था अब नया मामला सामने आया जब हरियाणा के बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह ने किसानों के समर्थन में बयान दे दिया और इस बयान में खास तौर से वो बातें कही गई हैं जो किसान आंदोलन पर अभी तक आरोप लगते रहे थे उन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है बीजेपी के इस नेता ने हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने खास तौर से तीन बातें कही हैं इस किसान आंदोलन को लेकर के जो सबसे पहली बात उन्होंने कही वो कहा कि यह लड़ाई किसानों के अस्तित्व का संघर्ष है यानी कि अब जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं कि वो भी कहीं उनका कोई अस्तित्व है दूसरी बात जो कही है उसमें ने कि विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराना बेतुका है बाकायदा बेतुका शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार यह आरोप लगाते गए कि किसानों को भड़का रहे हैं विपक्ष के नेता अब बीजेपी के नेता ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विपक्ष के दलों को जिम्मेदार ठहराना बेतुका है और जो तीसरी बात सबसे अहम जिसको लेकर के पूरा आंदोलन चल रहा है पूर्व गृहमंत्री संपत सिंह ने कहा है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए यानी कि कानूनी रूप उसको दिया जाए जो एमएसपी की बात करिए और जिन तीन कानूनों को लेकर के पूरा प्रदर्शन चल रहा है उनको सरकार को रद्द कर देना चाहिए तभी इस धरने का कोई हल निकल सकता है सवाल ये उठता है कि एक एक करके बीजेपी के भी नेता किसानों के समर्थन में आते जा रहे हैं लेकिन आठ बार की वार्ता के बावजूद सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या सरकार के ऊपर भी किसी का दबाव है या फिर सरकार चाहती नहीं है कि किसानों के इस आंदोलन को सफलता मिले आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय ज़रूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएँ जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया